ओम शांति। आज हम कार्तिक महात्म आरंभ कर रहे हैं। कार्तिक मास वातावरण मौसम परिवर्तन का समय होता है, जिसमें हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। उन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। ऐसे समय में इस कथा के माध्यम से हम उन नियमों और विधियों को जानेंगे, जिनके द्वारा हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। परंतु ये कहानियां मात्र कहानियां हैं, समझाने का प्रयास कुछ और किया गया है। ध्यान से आप सुनेंगे तो सच और झूठ को परखते हुए आप इसको समझ सकेंगे, क्योंकि ये समय है जब सर्दी का आगमन होता है, ये समय है जब स्वर्ग का आगमन होता है, सुख के समय का आगमन होता है। वातावरण बड़ा सामान्य रहता है, न बहुत गर्मी होती है न बहुत ठंड होती है। सदा बाहर मौसम यदि ऐसे रहे तो इसी को स्वर्ग कहा जा सकता है। परंतु इसमें कुछ संयम कुछ नियम भी धारण करने जरूरी होते हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आज हम पहला अध्याय ले रहे हैं, जिसमें नैमिषारण्य एक जंगल का वर्णन किया है। उस तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले। समझो कि कथा चल रही है और उसमें सूत जी सुना रहे हैं। अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। एक बात में बहुत अच्छी तरह से समझनी है, कथा सुनने से वैकुंठ नहीं मिलेगा, परमात्म डायरेक्शन के परचल के जब उनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारे संस्कार हमको स्वर्ग में ले जाने के निमित्त बनेंगे। हमने अपने संस्कार बनाने हैं, संस्कार वैकुंठ में जाने वाले बनाएंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। सिर्फ बुद्धि में ये बात बहुत अच्छी तरह से साथ साथ रखना है, कथा सुनने से वैकुंठ नहीं मिलेगा। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी मैं बने। मैंने वो कल्प वृक्ष आदि
आपके साथ नारद जी की को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। ये उस कल्प वृक्ष का यहां पर जिक्र किया गया है, जो कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से मिला था। वो कल्प वृक्ष का एक बिरवा दान कर दिया है उन्होंने, और एक बिरवा उनके पास है जो उनके घर में रहता है। कल्प वृक्ष का अर्थ वास्तव में हमें बुद्धि में समझना है, एक सृष्टि में आने वाली आत्माएं कैसे कैसे परम धाम से आती है। केवल ये कोई पेड़ नहीं है, ये उस वृक्ष का ज्ञान है, समझ है, जिसका बात मृत्यु लोक वाले नहीं जानते, जो स्वयं परमात्मा आकर समझाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसको सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं। क्योंकि मेरा हित याद रखना है, मैंने अपने हित के लिए कार्य करना है। यहां ये लाइन याद रखनी है, मेरा हित सबके हित में है, किसी एक दो के हित में नहीं। अपना हित करो, दूसरे का नुकसान करो, ये नहीं समझना। मेरा हित है तो सर्व हिताय में, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सारे सुखी होंगे तो मुझे सुख मिलेगा, नहीं तो तमो प्रधान या रजो प्रधान सुख होगा, सतो प्रधान सुख नहीं बनेगा। तो ये कृष्ण से सत्यभामा ने पूछा, और अब सूत जी जो है वो सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बांह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया, उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। वो वार्ता सुना रहे हैं अब। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ को इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, तब जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, तो हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा। सत्यभामा को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, अभी वो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, कैसी किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान व्रत या तप नहीं किया जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मुझे स्वर्ग में आना चाहिए था, मुझे मृत्यु लोक में आना पड़ा, कौन सी गलती मेरे से हो गई, ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहां आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लाए, इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, एक कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि शुभ कार्य किए तुमने, वो सब कहता हूं। अब सत्यभामा के पूर्व जन्म की बात श्री कृष्ण बता रहे हैं। सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद और यज्ञों को जानने वाले देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनका शरीर स्थिर हो गया, उनके भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला।
उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने अजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। यहां हम देखे, क्योंकि ये कहानी सुन रहे हैं, परंतु ये कहानी सत्य से बहुत दूर है। पहली बात हम समझ लें कि श्री कृष्ण दिव्य गुणों वाला देवता है। श्री कृष्ण सत्ययुग का प्रथम राजकुमार है। श्री कृष्ण 33 करोड़ देवी देवताओं में टॉप है। केवल एक ही श्री कृष्ण है जिसे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक कहा जाता है। परंतु ये जो कथा इन्होंने ली है, इस कथा को गपोड़ ग्रंथ भागवत से लिया गया है। मैं उसे गपोड़ ग्रंथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण के चरित्र को बेड़ा गर्क कर दिया है। श्री कृष्ण ने कोई 16,108 रानियों के साथ शादी नहीं की। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए। श्री कृष्ण इतना श्रेष्ठ, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, वो ऐसे निकृष्ट कार्य नहीं करेगा। जैसे मनुष्य की वृत्ति थी, उन्होंने कृष्ण के चरित्र को वैसा लिख दिया। जैसे मैं छोटी सी बात, श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र उठाकर बैठ गए और कहा कि अब तुम मेरे सामने नंगे आओ। अब ये गपोड़ कहानी किस बात पर घड़ी गई? परमपिता परमात्मा अब आकर सच समझाते कि हे आत्माएं, तुम इस संसार सागर में ना अंगे बिना अंगों के आए थे। अब संस्कृत में जब इसे लिखा गया तो लिखा गया नंगे आए थे, नंगे आए थे। अब तुम इस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर अब ना अंगे मेरे पास आओ, बिना शरीर के मेरे पास आओ। आत्मा परमधाम से आई है बिना शरीर के, और आत्मा वापिस जाती है बिना शरीर के। परंतु उनकी दृष्टि, उनका समझ अज्ञानता, उन्होंने ना अंगे को नंगा पड़ा और उन्होंने कृष्ण को भगवान कहकर कृष्ण के द्वारा कहला दिया कि तुम मेरे सामने नंगे आओ। आज हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है कि हम सब आत्माएं परमधाम से इस संसार में आई हैं नाटक करने के लिए। नाटक करके हम आत्माएं ही परमधाम जाएंगे, ये शरीर कभी परमधाम नहीं जाता। वह तो इसके अंदर लिख दिया कि वो सह शरीर कहाँ आए, वैकुंठ में आए। बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसी धरती पर स्वर्ग होता है, इसी धरती पर नर्क होता है, इसी धरती पर वैकुंठ होता है जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी का राजकुमार होता है। इस धरती पर सतयुग होता है, स्वर्ग होता है, तब सबका चरित्र 100% प्योर होता है। श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में होता है, राधा कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधा और कृष्ण का विवाह होता है,
राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा जाता है। इसलिए राधा कृष्ण के बचपन के फोटो, जवानी के फोटो हैं, बड़ी उम्र के फोटो नहीं है। लक्ष्मी नारायण के बड़ी उम्र के फोटो हैं, परंतु बचपन के, जवानी के फोटो नहीं। इसीलिए लक्ष्मी नारायण के माता पिता का भी जिक्र नहीं। वास्तव में कृष्ण ही बड़े रूप में नारायण बनता है। इसीलिए आज तक विवाह के समय नाम परिवर्तन का नियम है। राधा का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा है। इसलिए आज तक विवाह के समय दुल्हा दुल्हन को लक्ष्मी नारायण के रूप में बिठाते हैं। अब सूर्य की पूजा, सूर्य तो एक उपग्रह है, एक ग्रह है, एक सूर्य अपने आप में रोशनी का एक जरिया है, ऊर्जा का एक जरिया है। अब उसको पानी देना ये अज्ञानता है। सूर्य पानी क्या करेगा? सूर्य को पानी की कोई जरूरत नहीं, ना वहां तक पहुंचना है, उसने यही धरती पर गिर जाना है। ये सिर्फ एक गपोड़ कहानी घड़ दी गई कि सूर्य को अर्घ देंगे तो दिन में सूर्य देखता रहता है कौन पुण्य कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है। रात को वो बैठकर चित्रगुप्त को लिखाता है और चंद्रमा रात को देखता रहता है, दिन में लिखाता है। परंतु सच्चाई ये है, न सूर्य लिखवाने जाता है, न चंद्रमा लिखवाने जाता है। यह हर आत्मा के अंदर उसके कर्मों का अकाउंट लिखा होता है। श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग के लायक बनते हैं, और नहीं तो स्वर्ग के लायक नहीं बन सकते। तो इस प्रकार से ये जो पहला अध्याय था वो हमने देखा कि सत्यभामा पूर्व जन्म में कैसे वापस स्वर्ग में गए। वास्तव में एक लाइन में ही केवल सच्चाई है, क्योंकि वो महात्मा थे, महान कर्म उन्होंने किए थे जिनके कारण वो स्वर्ग के लायक बने। तो हम आत्माएं भी अपने श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग के लायक बनेंगे। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आकर समझाते, अपने एक एक कर्म पर अटेंशन दो और स्वर्ग के लायक बनो। कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो किसी को दुख पहुंचे। ऑटोमेटिक आप सभी स्वर्ग के लायक बनेंगे, पढ़ने से नहीं, अपने जीवन में इन गुणों को धारण करने से। अच्छा, ओम शांति। से जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें।